देखिए यहाँ पर अगर पाइथन की बात करें तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ पे दो बार मल्टीप्लाई लगाने का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक्सपोनेंट है। तो अगर टू करता हूं तो यहाँ पे आ जाता है नाइन। लेकिन यही चीज अगर आपको एक्सेल में दे दी जाए और यहाँ पर थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे 3000 आ जाता है। तो यहाँ पर एक्सेल में क्या हो रहा है और ये जो पाइथन में है यहाँ पर क्या हो रहा है? पाइथन में जाहिर सी बात है कि एक्सपोनेंट कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन ये एक्सेल में क्या हो जा रहा है, क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा।